एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कल मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ पे एक नर्सरी में भी गई, तो वहाँ से कुछ खरीदारी की है मैंने, जैसे कुछ चीना माटी के गमले, कुछ दो तीन ठो प्लांट, ज़्यादा नहीं किया, बस दो तीन ठो प्लास्टिक के और गमले खरीदे। तो वो सब शॉपिंग हॉल मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैंने कल जो शॉपिंग किए थे उसके अलावा मैंने और कुछ भी थोड़ा किया है, वो है मैंने कुछ बीज लगाए हैं, जैसे सीम, कुछ बीन्स के, कुछ पालक, कुछ धनिया और कुछ मिर्ची के बीज लगाए हैं इधर। तो पता नहीं कैसे होगा, मुझे लगता है कि वो जल्दी ही बड़ा होगा और मैं आप लोगों को वो भी दिखा सकूँ बाद में। तो अभी मैंने वो भी लगाया है, वो भी मैं कैसे लगाया मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर 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 आप अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थैंक यू। तो देखिए, यही है मेरा जो मैंने बोला शॉपिंग हॉल, तो यही सब लेके आई थी मैं कल बाज़ार से, नर्सरी से कुछ ऐसे पौधे प्लांट्स भी मैंने ऐसे लेके आई। तो अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब सबसे पहले तो ये है बतख, ये जो है डॉक, उस जो सकुलेंट लगाऊँगी इसमें, तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा और मुझे 200 में दिया ये, तो बहुत ही अच्छा है ये, इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। तो इसमें मैं सकुलेंट लगा कर भी आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। और ये जो है प्लांटर है, ये प्लांटर देखने में छोटा है लेकिन बड़ा है और हेवी है, ये बहुत ही चीना माटी के है। तो इसमें तो इसको मुझे 400 करके दिया, 800 में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ये अपने ड्राइंग रूम में सजाऊंगी और सजाने के बाद भी मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाली हूँ। तो उसके बाद मैंने ये प्लास्टिक के प्लांटर्स भी ख़रीदे थे, तो मैं सोची थी कि इसमें मैं सीमेंट लगाकर सीमेंट का प्लांटर इसके अंदर बनाऊंगी, इसको मोल्ड बनाऊंगी, लेकिन मैं सोची कि बाद में नहीं, ये रेड वाला छोटा वाला को मैं वो जो अभी लाई मैंने जो प्लांट्स ना वो लगाऊंगी। तो ये जो बड़े वाले हैं ना साइड में आप देख रहे हो, जो बड़े बड़े दो प्लास्टिक के प्लांटर्स है, तो उसी में मैं सीमेंट भरकर उसमें उसको मोल्ड बनाकर इसमें मैं बनाऊंगी, तो सीमेंट का प्लांटर बनाऊंगी इसे। इसमें अभी कुछ नहीं प्लांट करूंगी, उसको मैं अभी अलग सा सीमेंट का प्लांटर बनाऊंगी ये दोनों में। तो ये हो गया। तो ये जो छोटे हैं इसमें मैं सकुलेंट लगाने के लिए मैंने लाई, ये तीन लगा लेके आई, और इसमें मैं सकुलेंट लगा कर आप लोगों को लास्ट में मैं दिखाऊंगी कि कैसे हुआ, इसको लगा कर ये कैसे दिखने लगे, मैं सब दिखाने वाली हूँ। और ये है जो ये फ्लावर वास है, तो इसमें मैं कुछ फूल लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे ड्राइंग रूम के ऊपर में, तो वहाँ पर मैं रखने वाली हूँ। वो कट फ्लावर नहीं, ऐसे ही प्लास्टिक के जो कपड़े के फ्लावर्स होते हैं ना आर्टिफिशियल, वही लगाने वाली हूँ मैं उसमें। तो यही है सब, तो इतना ही मैं लेके आई थी। और कुछ प्लांट्स है इधर, ये है पेपरोमिया, तो इसको मैं पहले भी मेरे घर में था लेकिन पता नहीं कैसे ये मुरझा गया मेरा, तो अभी फिर मैं इसको ख़रीद के लेके आई हूँ। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये, और इसको एक प्लांटर में लगा कर बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे लग रहा है मेरे घर में, दूसरा जो प्लांटर में लगाऊंगी। हमने अपने हाथों से जो सीमेंट का प्लांटर बनाया है उसमें मैं इसको लगाने वाली हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा है ना। तो ये देखिए, ये छोटा सा है कैलेडियम है, लेकिन ये मिनी कैलेडियम है, बहुत ही छोटा वाला। तो कैलेडियम बड़े बड़े वाले भी है मेरे पास, लेकिन ये बहुत ही छोटा मिला मुझे उधर नर्सरी में, तो
मैं इसको लेके आई, उठा के लेके आई, तो इसको भी कुछ मेरे घर में जो सीमेंट के प्लांटर बनाए हुए अपने हाथ से उसी में लगाऊंगी, और वो जो पत्तक दिखाया ना अभी डक, उसके ऊपर भी लगाऊंगी आधा आधा, दूसरा में लगाऊंगी आधा उसके ऊपर लगाऊंगी। तो ये है कि एडेनियम, तो एडेनियम मेरे पास एक भी नहीं है, यही है फर्स्ट एडेनियम। तो मैं सोच रही हूँ कैसे होगा, आई डोंट नो। तो मैं इसको फर्स्ट टाइम एडेनियम लेके आई, और ये है प्लूमेरिया, जो इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैंगीपैनी भी बोलते हैं इसको, तो इसको मैं लगाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने बोला था ना मैंने कुछ और भी किया है, तो ऐसे मैं बीज लगा रही हूँ, कुछ धनिया के बीज, कुछ राय साग के बीज, कुछ बीन्स के बीज, कुछ पालक के साग के बीज, और कुछ मेथी के साग के बीज। मैं इस तरह से अलग अलग करके मैं एक एक ट्रे में लगा रही हूँ इस तरह से। ये तो है, मुझे लगता है ये मैंने धनिया का डाला है, तो ये है। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ बीज लगा के, जो माइक्रो ग्रीन्स बनते हैं ना वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो इस तरह से मिट्टी से मैं इसको कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो राई का साग बोलते हैं ना वो लगा रही हूँ, तो इस तरह से। और मैंने दूसरे में भी लगाया है इधर, इसमें है, मुझे लगता है ये मैंने लगाया है, इसमें है, मुझे लगता है इसमें मैंने बीन्स लगाए थे। तो ये देखिए एक बीन्स दिख रहा है, तो मैंने बीन्स लगाए थे इसमें, अभी टाइम लगेगा इसको जर्मिनेट होने में। और दूसरा में शायद ये पालक का साग लगाया है, तो ये है छोटा सा दाना पालक का साग का, तो ये लगाया। और इधर है एकदम तेज़ मिर्च, एक मिर्च मिला था मुझे पैकेट में मिर्च के दाने, तो यहाँ पे मैंने मिर्च लगाए है इसमें। तो बाद में मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी कि कैसे हुआ, तो माइक्रो ग्रीन्स बना के मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये भी यहाँ पे देखिए कुछ साग उगाए है, वो जो मस्टर्ड सीड्स के हो गए ये, तो नीचे है मेथी के दाने भी जर्मिनेट हो गए हैं। तो इस तरह से मैं बाद में आप लोगों को ग्रीन्स बना के दिखाऊंगी। और देखिए अभी इस तरह से हो गया, ये मैंने आपको बोला ना कि लगा के दिखाऊंगी, तो मैंने सकुलेंस लगा के दिखाए, कैलेडियम इस तरह से लगाए, पेपरोमिया उस तरह से लगाए, और ये एडेनियम और ये जो प्लूमेरिया दोनों को उस जो रेड प्लास्टिक के प्लांटर्स लाए थे उसमें लगा दिए हमने। तो इस तरह से हुआ, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं अभी। तो देखिए अभी वो जो प्लांटर था ऊपर छत में मैंने आप लोगों को दिखाया, ये मैंने इस तरह से लगाए। तो ये ड्राइंग रूम में मैंने सजाए दो प्लांटर्स को, ये एक कोने में ये और दूसरे कोने में वो लगा दिए। और वो जो मैंने दिखाया ना आप लोगों को फूलदानी, जो फ्लावर वास था, उसको भी ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर को लगा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर दूसरे वीडियो में दूसरा टॉपिक लेकर जल्दी ही आपके सामने आऊंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।